हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपको शब्द रूप कैसे लिखना है। और आपके सामने एक शब्द रूप फल का मैंने लिख रखा है और आपको मैं ये समझा दूंगी कि आपको याद भी कैसे करना है। और इसी के साथ साथ शब्द रूप कौन कौन से आपको याद करने चाहिए वो भी मैं आपको आज बता दूंगी, ताकि आपको अगले में कोई भी समस्या ना आए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि फल का शब्द रूप हमें याद कैसे करना है। ठीक है, तो देखो ट्रिक यही है। सबसे पहले ट्रिक के आपको यहाँ पे एक विभक्ति लिखनी है, विभक्ति के बाद एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये चार शब्द आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक, पहले आपको यही करना है। दूसरी बात, विभक्ति के नीचे देखो सात तक विभक्ति होती है, पहले ये जानो कितनी विभक्ति होती है, सात तक। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। एक लास्ट का होता है संबोधन। तो पहले विभक्ति के नीचे इतना आपको लिखना है और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यहाँ पे इस साइड में ये लिखना है और इस साइड में ये लिखना है। अब बच गया ये तीन, ये वाला इतना पोर्शन। ठीक है, अब इतने पोर्शन को याद कैसे करना है, बच्चे याद कैसे करते हैं। प्रथमा में फलम फले फलाने, द्वितीया में फलम फले फलाने, तृतीया में फलेन फलाभ्याम फले, ऐसे नहीं याद करना है। कुछ बच्चे ऐसे याद करते, एक वचन में फलम होता है, द्विवचन में फले होता है, बहुवचन में फलानी होता है, ऐसे भी नहीं याद करना है। अब याद कैसे करना है, अब ट्रिक समझो। आपको इतना सारे जो अभी भी बताया, अब इतना एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखना है, विभक्ति के नीचे सात सात तक विभक्ति लिखना है, फिर लास्ट में संबोधन लिखना है। अब आगे क्या करना है, देखो बस आपको यहां से लेकर के यहां तक ऐसे इसको पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे, देखो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलय, फलाय फलाभ्याम फलेभ्या, फलात फलाभ्याम फलेभ्या, फलस्य फलयो फलानाम, फले फलयो फलेस। संबोधन के नीचे सामने लिखना है, हे फल, हे फले, हे फलानी। ऐसे आपको इसको याद करना है, इसको ऐसे ही आपको बार बार पढ़ना है। अगर 10 बार भी आपने पढ़ लिया तो याद हो जाएगा, गारंटी पूरी है। ठीक है, तो आपको ऐसे पढ़ना है। अब आप समझोगे कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें एक वचन में क्या लिखना है। अरे भाई देखो क्या करना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिख लिया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय लिख लिया, प्रथम के सामने ऐसे लिखते चले जाओ। अब देखो पढ़ते चले जाओ, फलम फले फलानी, पहली बार जो पढ़ोगे वो प्रथम में रहेगा, दूसरा लाइन पढ़ोगे द्वितीय में रहेगा, तीसरा लाइन पढ़ोगे तृतीय में चला जाएगा, चौथी लाइन पढ़ोगे चतुर्थी में आएगा, पांचवी लाइन जब आप पढ़ोगे तो पंचमी चला जाएगा, छठी लाइन जब पढ़ोगे तो षष्ठी में चला जाएगा, सातवीं लाइन पढ़ोगे तो सातवीं में चला जाएगा, लास्ट में बच गया संबोधन, जो हे वाला लिखा गया है पोर्शन, ये आपको इसमें लिख लेना है। समझ गए, इतना ही तो आसान है, बस आपको यही तो करना है। अब इतना समझ गया। अब इसके अलावा देखो शब्द रूप में फल के अलावा क्या करना है, एक बार चलो इसको फिर से पढ़ लेते हैं। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलय, फलाय फलाभ्याम फलेभ्या, फलात फलाभ्याम फलेभ्या, फलस्य फलयो फलानाम, फले फलयो फलेषु, हे फल, हे फले, हे फलानी। अब कुछ बच्चे यहाँ पे जो ये हलंत लगा हुआ है इसमें कन्फ्यूज होंगे, तो हलंत देखो हमेशा ही हलंत माँ में लगता है और ता में लगता है। ठीक, अब ध्यान से पहले देख लेना कि किस शब्द रूप में माँ में ता में लगा है कि नहीं। वैसे अक्सर में जो 90% चांस होता है वो माँ और ता में ही हलंत लगता है। जैसे यहाँ पे ही आप देख लो, जितने माँ वाले लास्ट में जहाँ पे माँ आया है देखो सब में हलंत लगा, यहाँ पे माँ आया, यहाँ पे हलंत लगा, यहाँ पे भी माँ आया है, यहाँ पे भी हलंत लगा, यहाँ पे ना है, यहाँ पे माँ है, देखो यहाँ पे हलंत लगा, यहाँ पे माँ है, यहाँ पे भी हलंत है, यहाँ माँ है, यहाँ पे भी हलंत है, यहाँ ता है, यहाँ हलंत है, सामने लास्ट में देखो फला नाम में माँ है, लास्ट में हलंत लगा है, बस इसके अलावा कोई हलंत नहीं है। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, पहले आपको सारा लिख लेना है, फिर ढूंढ लेना है माँ और ता कहाँ लिखा गया है, जहाँ माँ और ता वहाँ हलंत लगाते चले जाओ एक तरफ से। ठीक है, तो ऐसे आपको कर लेना है, ये आसान ट्रिक है, ऐसे ही आप लिखिएगा पूरी, आप पूरी इतना विश्वास रखिएगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, और आपको खुद में जो है, हाँ अभी एक चीज़ और बताना था ना मुझे कि हाँ कौन कौन सा याद करना है। फल हो गया, नदी का याद कर लीजिएगा एक, ठीक है, नदी का याद कर लीजिएगा, फल का और राजा का, बस नदी, फल और राजा, तीन का आप शब्द रूप याद कर लेंगे तो जान लो आपका एग्जाम इसी में से एक फंस जाएगा। ठीक, तो देखो अब याद कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और मैं आपको एक बात और बता रही थी कि आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, खुद पे थोड़ा सा विश्वास रखिएगा, और विश्वास तब होगा जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा, और जो चीज़ नहीं समझ में आती मैं तो हूँ ही उसके लिए, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको हर चीज़ें बताती चलूँगी, बस आपको अच्छे से रेगुलरली पढ़ते रहना है। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।